कानपुर का नाम आते ही जहन में चमड़ा उद्योग की तस्वीर आ जाती है, लेकिन कानपुर का कुछ इतिहास ऐसा भी है जिसे काफी कम लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कानपुर की, और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज हम आपको एक ऐसी जगह के इतिहास से रूबरू कराएंगे जिसका नाता आजादी के समय से रहा है, तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कानपुर के गौरवशाली इतिहास समेटे है बिठूर का नाना राव स्मारक पार्क और संग्रहालय। वीरों की यादें आज भी बिठूर के नाना राव स्मारक पार्क पहुंचते ही ताजा हो जाती है। यहां बनाए गए संग्रहालय में इन वीर सपूतों के शस्त्र, तस्वीरें और साहित्य आज भी मौजूद है। यहां पर 1857 क्रांति के समय में इस्तेमाल किए गए अस्त्र और शस्त्र रखे हुए, जो इस संग्रहालय के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आजादी से कानपुर का गहरा नाता। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 की आजादी की लड़ाई तक हुए स्वतंत्रता आंदोलनों से कानपुर का गहरा नाता रहा है। कानपुर शहर अनेकों वीरों की जन्म व कर्म स्थली रहा है। तात्या टोपे, नाना राव पेशवा व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से, तो वहीं गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने लेखों और हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर इस धरती पर अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन वीरों की यादें आज भी बिठूर के नाना राव स्मारक पहुंचते ही ताजा हो जाती हैं। यहां बनाए गए संग्रहालय में इन वीर सपूतों के शस्त्र, तस्वीरें और साहित्य आज भी मौजूद है। प्रताप, अखबार और मुगलों के शाही फरमान की प्रतियां आज भी मौजूद है। बिठूर की धरती पर हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। उनके इतिहास की कहानियां और फोटो संग्रहालय में मौजूद है। यहाँ पर तात्या टोपे का खंजर भी रखा है, जिससे उन्होंने कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। अगर कहा जाए कि संग्रहालय की दीवारें 1857 की क्रांति के इतिहास से पटी हुई हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर तात्या टोपे के परिवार की रिहाई का वे शाही परवाना भी रखा हुआ है, जिसे 28 फरवरी 1858 में लिखा गया था। यहाँ पर कानपुर से शुरू हुई डाक सेवा, समाचार पत्र प्रताप के कई महत्वपूर्ण संस्करणों की प्रतियां भी मौजूद है। 2005 में स्थापित हुआ था संग्रहालय। बिठूर के नाना राव पेशवा स्मारक में कानपुर संग्रहालय 2005 में स्थापित हुआ। अंग्रेजों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष की गाथा सुनाने वाले इस संग्रहालय को लगातार विकसित किया जा रहा है। बिठूर की यह वीर भूमि वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद भी दिलाती है। यहीं पर लक्ष्मीबाई का बचपन भी था। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ तलवार चलाना सीखा और घुड़सवारी भी। 1857 की क्रांति का इतिहास कानपुर आज भी अपने गोद में समेटे लिए है। इस समय हम मौजूद हैं नाना राव पार्क, कभी इसे नाना राव पेशवा महल के नाम से जाना जाता था। आज यहाँ लोग आते हैं, घूमते हैं पार्क में। पार्क में एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। जो पर्यटन यहाँ घूमने आते हैं उनको देखते हैं और वो गर्व करते हैं कि कानपुर भी इतिहासों के पन्ने में दर्ज है। हम आपको दिखाएंगे कि इस पार्क की रौनक देखिए, यहाँ लोग किस तरीके से घूमने आते हैं। नाना राव की तस्वीर भी लगी है वहाँ पे, सेल्फी पॉइंट भी बना है। लोग दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, आने के बाद जो है यहाँ गौरव से महसूस करते हैं कि किस तरीके से कानपुर में भी एक ऐसा पार्क बना है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। ये भी कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई यहीं रहती थी और इसके बाद यहीं से जो है उनको झांसी की रानी भी का नाम दिया गया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी। अपने सहयोगी के साथ दीपक यादव, प्राइम टीवी कानपुर। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने जाना कि कानपुर की ऐतिहासिक जगह कौन सी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।